Assalamu alaikum viewers, this is Saad Chaudhary from Makan Solutions. This is Ishan Amjad from Makan Solutions. So here we are at the third day of Expo in the Park China Franchise Center, Islamabad. This is the third day. पहले दिन भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, सेकंड डे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स था और थर्ड डे भी आज भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। आए आपको एक्सपो सेंटर का पूरा व्यू करवाते हैं, विजिट करवाते हैं। सो हियर वी आर। तो आज हम जो एक्सपो के थर्ड डे पे मौजूद हैं, पहले भी दो दिन एक्सपो चल रहा था, ठीक है, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। हमने क्लाइंट्स के साथ फेस टू फेस मीटिंग्स की, हम उनको मिले, हमने उनकी क्यूरी सॉल्व की, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आया हमें। हमें क्लाइंट्स मिले, उनकी भी क्यूरी सॉल्व हुई और हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। हमें और भी रियल एस्टेट एजेंट्स से मिले, हमारी मुलाकात हुई, हमारा अच्छा एक्सपोजर बढ़ा। तो अभी आज तो तीसरे दिन हो, तो आपको हम अंदर जाके दिखाएंगे, बट पहले जो दो दिन गुजरे उसके लिए ज़ीशान आपको मज़ीद बातें बताएंगे। ज़ीशान बताएं, कैसे पिछले दो दिन आपने देखे हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक्सपो रहा है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर पे, और बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट का रिव्यू भी रहा है और इतनी बेहतरीन क्राउड रहा है। डे फर्स्ट पे भी काफ़ी अलग है, जुमा था और जुमे के बाद इतना क्राउड, उसके बाद डे टू पे तो इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमारा वीडियो शॉट करना ही मुश्किल हो गया था इधर। एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग कि शायद जुमे वाले दिन हमें इतना रश नहीं मिलेगा, बिकॉज जुमा होते लोग जुमा पढ़ने के बाद आते, बट उस दिन भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था क्लाइंट्स का, और आज थर्ड डे पे लंच के बाद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया और कि हम बहुत मुश्किल से ही खड़े होने की जगह मिल रही है। बिल्कुल आपको मैं दो दिन पहले का रिव्यू दूंगा जो पहले दो दिन गुजर गए हैं। पहले दिन रेलवे मिनिस्टर आजम सवाती साहब हमारे साथ आए थे और उन्होंने स्टॉल्स का व्यू किया और क्लाइंट्स का रिव्यू भी देखा, और उन्होंने देखा कि क्लाइंट्स कैसे रियल इस्टेट की तरफ उनका रुझान कितना ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद सेकंड डे पे आरडीए के चेयरमैन आए थे, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, उन्होंने चार से पांच हमें पॉइंट्स बताए और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की। यही बात है मुजम्मिल निशान, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आरडीए के चेयरमैन खुद यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो आप इसका देखते हैं एक्सपो कितनी ज़्यादा हाइप है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आरडीए चेयरमैन हमारे पास आए, रेलवे मिनिस्टर, सिटिंग रेलवे मिनिस्टर हमारे पास आए, उन्होंने सारा विजिट किया एक्सपो सेंटर का, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। मैंने भी मुलाकात पर्सनली की थी, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था सारे। एग्जैक्टली यही बात है, साथ उन्होंने चार से पाँच अनाउंसमेंट की थी जो मैं आपको बताता चलूँ। एक अमार चौक जिस पर वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक्स वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ उन्होंने एक नई खुशखबरी दी कि कचहरी चौक पे भी फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस किए जाएंगे ताकि उस पर भी रश कम से कम हो सके। फिर उन्होंने जो रिंग रोड का इफ्तिताह है 25 दिसंबर को, उसका जिक्र किया और बताते चले गए कि रिंग रोड 35 किलोमीटर रावलपिंडी के एरिया में आ रही है और इसको कंस्ट्रक्ट नेस्पक डिज़ाइन कर रही है और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की जाएगी इसकी। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बताया है जिसका नाम है नाला लई प्रोजेक्ट। वो नाला लई को साफ किया जाएगा उसमें, और उसके साथ साथ दो सर्विस रोड बनाई जाएंगी दोनों तरफ, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और रावलपिंडी के लोगों को पता होगा कि नाला लई की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे निशान ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, जैसे इससे रावलपिंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, और आपको पता है जब किसी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। एग्जैक्ट देखिए, अगर रिंग रोड बनेगी, रोड जैसे आप बता रहे हैं, मार्च चौक बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इससे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी जो रियल एस्टेट है उसकी भी जो वर्थ हो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी। बिकॉज जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी सिटी के, जब वो बेहतर होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, इवन ओवरसीज क्लाइंट्स भी बहुत प्रेफर करेंगे इन सिटीज में रहने के लिए। तो मतलब ना, और इससे ज़्यादा मतलब और बिजनेस जनरेट होगा रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है आरडीए का। जो बिल्कुल चेयरमैन साहब ने जब मीटिंग की तो उन्होंने ये पॉइंट्स रखे हैं कि उसके बाद आपको हम हेल्प करेंगे, ये जितने डेवलपर्स हैं, जितने सोसाइटी बनाने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको हेल्प की जाएगी हर मुमकिन तौर पर ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बना सकें, रावलपिंडी को एक आइडियल सिटी बनाया जाए। और अब चलते हैं हम, थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे आर प्रमोटिंग द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इमर्जिंग। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है रियल एस्टेट के सेक्टर में, खासतौर पर देखें रोड्स बने, रिंग रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं एक्सपो कितने बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल्स कंपनीज आएंगे, एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है रियल एस्टेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आए आपको मजीद एक्सपो का विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह क्लाइंट्स। आए अभी इस टाइम पे हमारे साथ एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट डेवलपर हमारे साथ मौजूद है, हमने इनको स्पेशल इनका थैंक्स करेंगे, थोड़ा हमें टाइम दिया, हमारे साथ आए यहाँ पे, हम इनसे तीन चार सवाल करेंगे क्योंकि आप पता एक्सपीरियंस का कोई मतबादल नहीं होता, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आप आने वाले टाइम में पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? देखिए जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस मुल्क में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत इंसेंटिव दिए हैं, उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीमें लॉन्च की हैं,
और उसे उसका मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कम से कम 300 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है ना इस प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड है। और जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वबा बहुत बुरे तरीके से फैली हुई है, तो जबकि हमारे यहाँ उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट कम आया है। मेन वजह यही थी कि राइट टाइम पे ये प्रॉपर्टी के इनिशिएटिव लिए गए, लोगों को इसकी तरफ उभारा गया कि लोग इस तरफ आएँ और इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और बहुत कुछ आइंदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक बात की है। रियल एस्टेट में बहुत माशाल्लाह तेज़ी से तरक्की रही इस सेक्टर के अंदर। और सर इस जो अभी रिसेंट एक्सपो है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पुराने एक्सपो इनको अगर आप कंपैरिजन करें कैसे आप इसको फील करते हैं? जी जहाँ तक इस एक्सपो का तल्लक है तो इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं प्रहलाद साहब, हम उनको जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कंपनी है उनकी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया है। और फुटफॉल भी यहाँ से जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का इसे एक अवेयरनेस आती है, लोगों को एक तो रोज़गार भी मिलता है। आज जितने देखें बच्चे आए हुए हैं सारे, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और लोगों का जहन भी खुल रहा है कि उनका भी एक्सपोजर होता है कि कैसे प्रॉपर्टी को देखना सुनना है परखना है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है और ये आइंदा भी होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बड़ा ओवरवेलमिंग है, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब ये कह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है। तो जो हम लोग यूएस से आए हैं, अब ये हमारा होमवर्क बहुत पड़ गया है, वो इसलिए कि हमने अब रिसर्च करना है, एनालाइज करना है और इन्वेस्टर्स को बताना है कि किस पे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे सबसे अच्छा रहेगा, कौन सी सेफ़ एंड सिक्योर, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर हैं जो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा है, बड़ा बहुत ज़्यादा लोग हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको उनके नंबर्स रन करना और उनकी सारी चीज़ें देखना, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, कल आप मीटिंग में भी थी, तो आपको आरडीए की चेयरमैन के साथ मीटिंग कैसे क्या रिव्यू लगे उनके? अच्छा बहुत अच्छे लगे। देखिए जाहिर है कि वो भी काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं रावलपिंडी के लिए, जैसे वो रिंग रोड की बात कर रहे थे एंड ऑल दैट। बस वो प्रोजेक्ट चल पड़े और इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। आर डी ए के साथ मीटिंग बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर वर्क, बट टू एक्वायर द ट्रस्ट ऑफ द ओवरसीज दे मस्ट हैव टू इंप्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल। एग्जैक्टली सर, ट्रू, सो ट्रू सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। तो अब आगे मजीद चल, तो हियर इट इज जो माइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसका मास्टर प्लान इसकी सबसे ज़्यादा हाइप उस वक्त मार्केट में हर जगह लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑथराइज ऑफिशियल स्टॉल यहाँ पे लगा, अगर आप देख सकें उसको मैं आपको दिखा सकूँ। ये आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है, ठीक है, उसके बाद वो लाहौर स्मार्ट सिटी के, तो इनका ऑफिशियल स्टॉल है। आए निशान आगे मजीद चलते हैं, काफ़ी रश है। और बिलावल मकान सॉल्यूशन, मकान मकान पे लेके चलते हैं। सो हियर वी आर एट मकान सॉल्यूशन, जो हमारा अपना स्टॉल है, आए आप उसके विजिट करवाते हैं। जिन्होंने विजिट किया और जो नहीं कर सके वो कोशिश किया करें कि अगला जो भी एक्सपो होता है उसमें हमारे साथ विजिट करें, ताकि हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इस बेहतरीन जो एक्सपो का बेहतरीन एक्सपीरियंस है वो आप हासिल कर सकें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, दिस इज मी साथ एंड वी आर निशान, वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।